आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम दीपक थरा योर इंग्लिश ट्रेनर लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, चाहे आपका टाइम हो, आपकी मनी हो, आपके एफर्ट्स हो, कुछ भी हो, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको खोना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको दांव पर लगाना पड़ेगा। एक हिरन को देखा है ना, जैसे ही शेर पीछे भागता है, हिरन अपनी दुगनी रफ्तार से भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि जिंदगी दांव पे लगी है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पे लगी होती है। तो जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना पड़ेगा। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसने भी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव किया है, कुछ ना कुछ दांव पर जरूर लगाया है। और जितनी बड़ी चीज दांव पर लगाओगे, उतनी एफिशिएंसी के साथ, उतनी मेहनत के साथ आप काम कर पाओगे। ये तो प्रकृति का नियम है, अगर कुछ भी पाना चाहते हो कुछ ना कुछ जरूर दांव पर लगाना पड़ेगा। स्वयं भगवान को सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा था। श्री राम जी, भगवान श्री राम, क्या कुछ नहीं खोया उन्होंने? राजपाट खो दिया, घर परिवार, बाल बच्चे, माता पिता, हर एक चीज़ उन्होंने खो दी और 14 सालों तक वनवास किया। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ पाया भी। अगर वो सब नहीं खोते तो वो सब कुछ मिल भी नहीं सकता था। हनुमान जैसे भक्त से मुलाकात, हनुमान जी का मिलना, सुग्रीव का मिलना, पूरे रास्ते में इतने लोगों का उद्धार किया, इतने राक्षसों को मारा, ऋषि मुनियों को बचाया, क्या क्या करते हुए अंत में श्रीलंका तक पहुंचे और वहां से जाकर रावण का अंत कर सबको खुश किया। कैसे किया? क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ खोना भी पड़ा था। यहाँ जिंदगी दांव पे लगी थी तब जाके सीता माता से मिल पाए। तो कुछ ना कुछ तो जरूर दांव पे लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ पाने के लिए। अगर बिना दिए ही सब कुछ मिल जाता तो सुभाष चंद्र बोस जी क्यों कहते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो आज़ादी आप खुले हवा में जाके सांस लेते हो ना, आराम से घूमते हो हर जगह, वो आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। सब कुछ दांव पे लगाया है लोगों ने तब जाके हमें वो आज़ादी मिली है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 15 बार आक्रमण किया था नंद शासन पर उसे जीतने के लिए। हर बार फेल हो रहा था लेकिन बार बार आक्रमण करता जा रहा था। क्यों? क्योंकि चाणक्य है, उसके गुरु की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। जब भी आप कुछ ना कुछ दांव पे लगाते हो ना तो जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाती है। इलोन मस्क नाम तो जरूर सुना होगा आपने, एक महान वैज्ञानिक आज के युग का। 3-4 बार अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश की लेकिन खुद की कंपनियों से ही बार बार धोखाधड़ी करके उसको निकाल दिया गया। लेकिन जो उसके पास पैसा आया उस कंपनी से, $165 मिलियन जो लास्ट में उसको मिला था, उसको उसने वेस्ट नहीं किया। जेब में डाल के आराम से घूम सकता था कि भाई मैं बड़ा ही रईस आदमी हूँ, लेकिन क्या किया, उसको लगा दिया। और उसका एक सपना था कि मैं मंगल ग्रह पे लोगों को लेके जाऊँगा, इसीलिए रशिया गया और वहाँ जाके रॉकेट के लिए बात की। लेकिन उन्होंने बोला 8 मिलियन और बार्गेनिंग करने की वजह से क्या हुआ, उसको प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। और घर आया, वापस सोचा, बोला कि मैं खुद अपना रॉकेट बनाऊंगा। और जो पैसा कमाया था सब कुछ एक अपनी कंपनी में लगा दिया और रॉकेट बनाने में लग गया। एक ऐसा इंसान जिसने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली रॉकेट साइंस की, वो वैज्ञानिक नहीं था लेकिन फिर भी खुद पढ़ पढ़ कर खुद सीख सीख के, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने खुद बुक उठाई और वीडियोस देखी, एनसाइक्लोपीडिया का यूज़ किया, इंटरनेट का यूज़ किया और खुद ही एक वैज्ञानिक बन गया, खुद की कंपनी एस्टेब्लिश की और उसके बाद रॉकेट बनाया। कि इतने सारे पैसे में एक रॉकेट लेके आऊँगा, इससे अच्छा मैं खुद का अपना बनाऊँगा। और वो एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते कि जो जाएगा भी स्पेस में और वापस भी आएगा, क्योंकि इससे पहले इलोन मस्क से पहले कोई ऐसा रॉकेट नहीं था जो स्पेस में जाकर वापस आता था। एक रॉकेट एक बार गया, 8 मिलियन पैसे चले गए। इलोन मस्क ने क्या किया, खुद का रॉकेट बनाया और भेजा। लेकिन रॉकेट क्या हो गया, पहले ही ब्लास्ट हो गया, फेलियर। जो पैसा बचा था फिर से लगाया, री इन्वेस्ट किया और जो पैसा था फिर से लगा के एक रॉकेट बनाया, लेकिन वो भी फेल हो गया। स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। थर्ड अटेम्प्ट फिर से रॉकेट बनाया, दुनिया हंस रही थी कि ऐसा इंसान पागल इंसान है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तीसरा रॉकेट फिर से बनाया, जो पैसा लगा था सब कुछ लगा डाला और बोला कि अब मैं फिर से लॉन्च कर रहा हूँ। और तीसरा रॉकेट भी स्पेस में तो गया लेकिन ऑफ रूट हो गया। लगातार 3 फेलियर्स, इतने बड़े बड़े फेलियर्स, जिसके पास कुछ नया, दुनिया हंस रही थी, सब कह रहे थे कि तो बर्बाद हो गया इंसान, इसकी कंपनी बंद। लेकिन इलोन मस्क ने कहा कि कुछ ही महीने में मैं एक और रॉकेट लॉन्च करने जा रहा हूँ। कर्ज पे पैसा उठाया, घर बार सब कुछ बेच दिया, किराए पर आ गया, फोर्थ रॉकेट बनाया, दुनिया हंसने लगी थी, सब कह रहे थे पागल है इंसान, ये कुछ नहीं कर सकता। चौथा रॉकेट
स्पेस में गया और सक्सेसफुली गया, और ना ही सफल हुआ बल्कि नासा से $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी लिया। नासा ने कहा कि आप हमारे लिए काम कीजिए। जब सब कुछ दांव पे लगा था तब सफलता उसको जरूर मिली। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो दांव पर आपको लगाना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं कर सकते। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ ना, हाँ भाई, बोलेंगे सर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। भाई चाहिए तो दांव पे क्या लगाएगा पता। जब दांव पे लगाने की पूछता हूँ तो ऐसा मुंह हो जाता है, सर भाई साहब कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा ना। बिना फीस दिए तो बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ते। मैंने अक्सर देखा है जिन बच्चों को मैं सोचता हूँ भाई गरीब है फ्री में पढ़ा देता हूँ, ढंग से पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से कुछ लगा नहीं हुआ है। और जो बच्चा फीस देता है ना वो कहता भाई पैसे दिए हैं ढंग से पढ़ के जाऊँगा, पूरी इंग्लिश यहीं सीख के जाऊँगा। तो भाई सब कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है कुछ ना कुछ पाने के लिए। योगेंद्र सिंह यादव, नाम सुना होगा, भारत के गौरव है, परमवीर चक्र से नवाजित हैं। सो भारत का गौरव योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र जिनको मिला हुआ है। जब 16 साल के थे तभी सेना में इन्होंने इनकी भर्ती हो गई थी, और लगभग 2.5 साल की जो सर्विस थी, लगभग 18 साल के थे जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, और इस युद्ध में इनको भी मौका मिला था। जब 5 मई को इनकी शादी हुई थी और 20 मई को इनको वापस जाना पड़ा था, ओनली 10-15 दिन के बाद ही इनको वापस युद्ध के लिए जाना पड़ा था। जब तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध चल रहा था, लगभग लगातार 22 दिन तक हमारे सैनिक ऊपर लड़ रहे थे, और योगेंद्र सिंह यादव 22 दिन तक लगातार बिना रुके ऊपर खाना, राशन पानी और एम्यूनेशन पहुँचा रहे थे। क्यों पहुँचा रहे थे? उनको पता था कि ऊपर जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हैं, हमारा देश दांव पे लगा है, भारत माता दांव पे लगी हुई है। इंसान कई बार एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर जाते हैं, लेकिन कब कर पाते हैं? जब कुछ ना कुछ दांव पर लगा होता है। 22 दिन तक लगातार सुबह 5:30 बजे के आसपास चलते थे, रात को 2:30-3 बजे तक वहाँ पर पहुँचते थे लगातार चल के, और फिर 2-3 घंटे में वापस नीचे आना। लगातार 22 दिन तक ऐसे सामान पहुँचाना ये कोई छोटा टास्क नहीं है, और पहाड़ी पर 22 दिन के बाद वहाँ पर युद्ध को जीत लिया गया। वो सब कैसे हो पाया? क्योंकि ज़िंदगी दांव पर लगी थी, पूरा देश दांव पर लगा हुआ था, पूरे भारत की उम्मीदें थी कि हाँ हम युद्ध जीत जाएंगे। उसके बाद वहाँ की सबसे बड़ी चोटी टाइगर हिल, अब उस पर युद्ध होना था। योगेंद्र सिंह यादव जी अपनी टीम के साथ उस पहाड़ी पर चढ़े थे, और सिर्फ चढ़े ही नहीं टाइगर हिल पर जीत भी पाई थी। 16,500 फीट की ऊँचाई, कुशाल सिंह ठाकुर जो कि उस समय वहाँ के कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास मौका है क्या कि हम अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपने जवानों का, अपने देश के उन शहीदों का बदला जरूर लेके आएंगे और हम यहाँ पर जरूर जाएंगे। बटालियन कमांडर कुशाल चंद ठाकुर ने कहा कि हमारे भाइयों की जिंदगी दांव पे लगी है, अनेकों शहीद हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, उन भाइयों का बदला लेना है, और चल पड़े ये अपनी सेना के साथ टाइगर हिल पर। 16,500 फीट की ऊँचाई, पूरी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी, 90 डिग्री की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, उस पे ऊपर चढ़ना ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन वो चढ़ गए, ऊपर से गोली बारूद हो रही है, गोलियां लगने के बाद भी वो चढ़ गए ऊपर जाकर। अपने अनेकों साथियों को भी खोया, लेकिन वहाँ के जितने पंकर थे उनको नष्ट जरूर कर दिया था। तो कैसे किया? क्योंकि ज़िंदगी दांव पे लगी थी, यहाँ पर देश दांव पे लगा हुआ था। योगेंद्र सिंह यादव जहाँ पर लगभग उनको 40-50 गोलियां लगी, जांग में, कंधों पर, छाती की तरफ, हर जगह उनको गोलियां लगी हुई थी, हाथ पे गोलियां लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो लास्ट तक, अंत तक वहाँ पर लड़ते रहे। कमांडर ने जब ऑर्डर दिया कि नीचे जाओ, तुम्हें चोट लगी हुई हो, तुम घायल हो, वापस जाओ, तो लेकिन सैनिकों ने क्या कहा? नहीं सर, हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो मरेंगे भी यहीं पर और जियेंगे भी यहीं पर। योगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं मरना तो है ही, लेकिन मार कर मरेंगे। ये सब कुछ कैसे कर पा रहे थे वो? क्योंकि वहाँ पर सब कुछ दांव पर लगा हुआ था, देश दांव पर लगा हुआ था, जिंदगियाँ दांव पर लगी हुई थी। जब योगेंद्र यादव जी नीचे पड़े हुए थे उस समय उन्होंने क्या किया, जब वो वापस जा रहे थे उनको गोलियां मार कर, उनको रीचेक करके भी, इतनी घायल अवस्था में जहाँ पर पैर पे बम फट गया था, कंधे पे गोलियां लगी हुई थी, जांघों में गोलियां लगी हुई थी, हर जगह गोलियां लगी हुई थी, इतनी घायल अवस्था में, नाक कटा हुआ था, हाथ फूटा पड़ा था, हर जगह चोट लगी हुई थी, ऐसे में जब फिर से रीचेक करने के लिए गोलियां मारी जाती है पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनके जरिए, दुश्मन के जरिए, लेकिन फिर भी योगेंद्र यादव उफ तक नहीं करते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है एक बॉम्ब उठाकर उसकी तरफ फेंकते हैं जिससे उसका सर उड़ जाता है। और इतने में जब अपना हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, हाथ पाँव तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि हाथ की हड्डियां भी बाहर आई हुई थी, पैर की हड्डियां बाहर आई हुई थी, 40-50 गोलियां लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो गोली उठाते हैं
और कभी इधर पलटी खाते हुए, कभी इधर पलटी खाते हुए, एक एक पत्थर के पीछे जाते हुए लगातार गोलियां चलाते हुए उनको एहसास कराते हैं कि अकेला सैनिक ही हमारे देश का हजारों सैनिकों के ऊपर भारी है। वो सब कुछ कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को खोया था, उनकी, उनके देशवासियों की सबकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। इसी घायल अवस्था में अब पहाड़ी से वापस नीचे उतर कर आने की बारी थी। इतनी गोलियां लगने के बाद भी जब हाथ टूटा हुआ था, हाथ की हड्डियां बाहर निकली हुई थी, उन्होंने सोचा कि मैं इस हाथ को तोड़कर ही फेंक देता हूं। तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूट पाया, तो ऊपर की तरफ उठाया, बेल्ट से पीछे की तरफ बांधा और पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। गिरते लुढ़कते गिरते हुए ऐसे नीचे की तरफ आ रहे थे। और आपको पता है, जब कुछ इंसान इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से कोई काम करता है ना, तो खुदा भी उसकी मदद करता है। जब छाती पे गोलियां मारी थी, छाती भी, जेब में क्या था? पर्स था, जिसकी वजह से गोली अंदर नहीं जा पाई। उसके बाद जब उसको रास्ता नहीं मिल रहा था कि फिर रात का टाइम है कि कहाँ पर जाऊँ कहाँ पर नहीं जाऊँ, जो नीचे की तरफ जा रहे थे, एक आवाज़ आई कि बेटा इस यहाँ से, इस नाले की तरफ से नीचे उतर जा। और वहीं से लुढ़कते हुए नीचे गए और एक पत्थर पर लटके हुए थे, वहीं पर हमारे सैनिकों ने उसको देखा, वहाँ पे गोठा उतारा। उतारने के बाद अब वहाँ से उसको कैंप तक लेके जाना था। दो सोल्जर्स थे, दोनों ने कंधे पर डाला और लगातार, दिन के 2 बजे की बात है, 2 बजे उसको भागना शुरू किया उसको लेकर, और रात हो गई, रात तक उसे कंधे पर लेके पहाड़ी पर भागते भागते कैंप तक लेके गए। उसे मरने नहीं दिया। वो कैसे कर पाए? क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। जब दांव पर लग जाती ना जिंदगी, तो रफ्तार दुगनी हो जाती है। इतनी मेहनत के बाद जब नीचे पहुंचा गया, उससे पूछा गया कि सैनिकों को क्या चाहिए, कैसे उनके ऊपर विजय पाई जा सकती है, तो उसका कहना था योगेंद्र यादव का, सिर्फ हमें एम्यूनेशन और फील्ड पट्टी की जरूरत है। उनके मेजर ने पूछा, खाना नहीं चाहिए? लगभग 72 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे, उन्होंने सिर्फ 2 बिस्किट खाए हुए थे। बिस्किट के पैकेट नहीं है, सिर्फ 2 बिस्किट खाए हुए थे, और लगातार लड़ते जा रहे थे और इतनी मेहनत करते जा रहे थे, वो सब कुछ कैसे हो पा रहा था? क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी दाव पे लगी थी, देश दाव पे लगा हुआ था। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए दाव पर तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। और वही रात थी जब हमारे सैनिकों ने वापस चढ़ाई की, और बिना किसी कैजुअलिटी की, हमारे एक भी सैनिक की मौत नहीं हुई, उसके बाद एक भी सैनिक शहीद नहीं हो पाया, और उस टाइगर हिल पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन सब कुछ कैसे हो पाया? जब लोगों ने कुछ ना कुछ दाव पर लगाया। आपको आज़ादी मिली हुई है, कैसे मिली हुई है? क्योंकि हमारे अनेकों शहीदों ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठाकर देख लो, जब तक आप कुछ ना कुछ दाव पर नहीं लगाओगे, आपको कुछ नहीं मिल सकता। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन द लाइफ, यू विल हैव टू गिव समथिंग, यू विल हैव टू गिव समथिंग। विदाउट गिविंग यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। बिना दिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्वयं भगवान को ही कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। लगी है तो लाइक शेयर जैसे सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मुझे उससे उत्साह मिलता है और ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।